प्लाज्मा थेरेपी को बंद कर दिया है, जिस थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा था। एम्स कोविड टास्क फोर्स के चेयरपर्सन और मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर नवनीत विग ने आईटीवी नेटवर्क से खास बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, आखिर ये तीसरा वेव है क्या, ब्लैक फंगस क्या, व्हाइट फंगस क्या परेशान करेगी, कैसे बचाव करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एम्स के चेयरमैन टास्क फोर्स नवीद विग साहब मौजूद हैं। नवीद सर नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हाँ जी नमस्कार जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर सबसे पहला सवाल कि जिस हिसाब से थर्ड वेव की बातें कही जा रही है, लहर जब आएगी तो बच्चों को अपनी चपेट में ले लेगी, आखिर थर्ड वेव आएगी ही क्यों, उसे क्या रोका नहीं जा सकता? बिल्कुल, तो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि क्या हम इस वायरस को इरेडिकेट कर पाएंगे, अभी तो कहना मुश्किल है, अभी तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये वायरस कॉमन फ्लू बन जाएगी और इतना ज्यादा हवा नहीं करेगी, वो भी अभी कहना मुश्किल है। तो जहां आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि हम क्या इस थर्ड वेव को आने से ही रोक सकते हैं, और वही हमारा एम होना चाहिए। जब हम एक क्रिकेट मैच खेलते हैं तो क्या होता है, कोरोना एक बॉलर है, बॉल बैट्समैन का काम है बॉल पे ध्यान देना, तो हमारा काम है बॉल पर ध्यान रखना। बॉल का मतलब कोरोना पे हमें नजर रखनी है, 24 घंटे नजर बना के रखनी है। जैसे जैसे बॉल आएगी, तेज बॉल आएगी तो मेरा एक्शन दूसरा होगा, अगर वो गुगली होगी तो मैं दूसरे तरीके से करूंगा। तो कोरोना बहुत तेज बीमारी है, तो हमें इसको समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट को समझना पड़ेगा, और डॉक्टर्स को भी अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा कि फर्स्ट वेव में इसने कैसे किया, सेकंड वेव में कैसे किया। तो मैं मुद्दे पे आता हूं कि कीप आई ऑन द बॉल। जब हम अपनी तो कोरोना में हमें अपना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट less than 5% रखना है हर डिस्ट्रिक्ट में, और गांवों में रखना है less than 1%। जब हम एक हफ्ते तक अपना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट less than 5% रख पाएंगे शहरों में, तब हम शहरों को थोड़ा थोड़ा खोल पाएंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि मेरे पास 50% आईसीयू बेड भी खाली होने चाहिए तब जब मैं खोलने की बात कर रहा हूं, और मैं पूरा नहीं खोल पाऊंगा, मैं सिर्फ 25% पहले खोल पाऊंगा। अगर मेरे पास आईसीयू बेड नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन बेड नहीं है, तो नंबर ज्यादा बढ़ गए तो मैं कैसे मरीज का इलाज करूंगा। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि कीपिंग आई ऑन द बॉल का मतलब है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का पॉजिटिविटी रेट less than 5% है और मेरे पास 50% बेड खाली हैं, और पिछले 7 दिन से यही हो रहा है। तो 7 दिन की बहुत महत्वता, 1 दिन कम हो गए इसका मतलब ये नहीं, 7 दिन, और फिर मैं थोड़ा थोड़ा खोलूंगा, पहले 25% खोलूंगा, फिर 50% खोलूंगा। ये जो सप्रेस एंड लिफ्ट स्ट्रेटेजी है, ये वन टाइम फॉर्मूला नहीं है, ये लॉन्ग टर्म फॉर्मूला है, और इसको हमें हमेशा के लिए करना पड़ेगा। अगर हम इसको कर पाए तो जैसे आपने मुझे बोला और बहुत अच्छा प्रोवोकिंग क्वेश्चन किया कि क्या हम इसको रोक नहीं सकते, तो ऑब्वियसली हम थर्ड वेव को आने ही नहीं देंगे। तो ये हमारी मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सभी, चाहे मैं हूं चाहे पब्लिक हो, हम समझें कि हमें कैसे इस बीमारी को लड़ना। लेकिन चूंकि आप सर कोरोना टास्क फोर्स के चेयरमैन भी हैं, समझना चाहेंगे जो आप वेव की बात कर रहे हैं कि कोरोना के अलग अलग तरीकों को, लेकिन उसे समझा कैसे जाएगा, आम जनता कैसे समझेगी, कैसे समझ पाएगी, ये भी थोड़ा सा आप बता दें, जैसे लोग ये समझ सके कि हाँ इस कोरोना के समय में हमें ये एहतियात बरतनी होगी, अगर इस तरह से वेव हमें आती है तो हमें ये एहतियात बरतना होगा, अगर ये वेव बहुत तेज आती है तो हमारे अंदर क्या नुकसान होगा, हमें क्या एहतियात बरतना होगा, ये तमाम बातें भी सर। तो देखिए, ये तो अब समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें तो मेरे बिहेवियर में लानी पड़ेंगी, मुझे अपना बिहेवियर ठीक करना पड़ेगा। जैसे मुझे हमेशा मास्क पहन के रहना पड़ेगा, मुझे अपनी 2 गज की दूरी को बना के रखना पड़ेगा, मुझे मतलब क्या कहते हैं, हाथ को साफ रखना पड़ेगा, ये जो सोशल वैक्सीन है मुझे इसको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे ही मुझे कोई लक्षण आए बुखार का, खांसी का, मुझे अपने आप को इमिजिएटली क्वारंटाइन करना पड़ेगा, अपना टेस्ट कराना पड़ेगा, और अपना फिर डॉक्टर से संपर्क में रहना पड़ेगा। तो ये बेसिक मुद्दे हैं, इन पे तो हम कोई भी कोताही नहीं कर सकते। उसके बाद बात आती है डिस्ट्रिक्ट पे, फिर आती है सब डिस्ट्रिक्ट पे,
फिर आती है गांवों पे। गांवों पे भी हमें अपनी क्वारंटाइन फैसिलिटीज हमेशा बना के रखनी पड़ेंगी कि कभी मरीज के नंबर ज्यादा हो गए तो हम उनको यहाँ रखेंगे। घर में वेंटिलेशन कम होती है, छोटे होते हैं, अगर खुला है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये तो सारा मास्क और वेंटिलेशन का सारा गेम है। तो गांवों में भी हमें तैयारी करके रखनी पड़ेगी, वहां गांव की पीएचसी को हमें वहां पे सब सुविधाएं देनी पड़ेंगी, वहां पे डॉक्टर्स का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बाद सीएचसी में भी हम 100 से 80 से बेड बना सकते हैं, वहां भी ऑक्सीजन की तैयारी करनी पड़ेगी, और ये और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट में भी करना पड़ेगा। हमें ये याद रखना है कि ये लड़ाई कोविड के लिए भी है और नॉन कोविड मरीजों का भी इलाज करना है। कोविड के लिए अलग इंतजाम, नॉन कोविड के लिए अलग इंतजाम। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कोविड में 50% आईसीयू बेड खाली होने चाहिए, तभी हम खोल पाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट को। तो ये तो अब डिस्ट्रिक्ट का हो गया। फिर स्टेट की जिम्मेवारी है भी मॉनिटरिंग करो अच्छी तरह, और सेंटर नई नई सलाहें, जैसे जैसे नए नए एविडेंस आए उनको फटाफट पंप करें, तो ये तो करना पड़ेगा। दूसरा एक मुद्दा है मैन पावर का। अब मैन पावर देखो, हमारा नीट का एग्जाम है जो पोस्टपोन हो गया, हमारे जो यंग डॉक्टर 1,75,000 डॉक्टर इस टाइम रेडी हैं जो नीट के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, अब वो उनका एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो वो खाली हैं, और हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें सिर्फ 40,000 हैं। तो ये 1,30,000 डॉक्टर्स का जो हर साल का जो मतलब वो जिनको एडमिशन नहीं मिलता, हाँ, जो गैप बन जाता है वो हर साल बढ़ता जाता है, कॉम्पिटिशन बढ़ता जाता है। तो हम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को कैसे इंप्रूव करें, हम इन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनाएं, जो मेडिसिन, सर्जरी, गाइनी और इन सब को हम लिंक करें सीएचसी से और पीएचसी से। उससे जो हमारे ये जो यंग डॉक्टर हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, वो एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर बनेगा हर डिस्ट्रिक्ट में और गांव में, जो केयर डोर स्टेप पे सरकार देना चाहती है तो वो दे पाएगी। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको, आप एक तो पोस्ट ग्रेजुएट्स की सीटें बढ़ा रहे हैं, आप अपने रेजिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही लोग आपके शहरों में काम करेंगे, वही आपके गांवों में काम करेंगे। तो 1,75,000 बहुत ज्यादा नंबर है डॉक्टर्स का, और सडनली हमारा जो गैप है वो कम हो जाएगा, बिकॉज हमें मानना पड़ेगा कि MBBS के बाद इतनी सक्षमता नहीं होती। जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करेंगे तब तक आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा। MBBS कॉलेज बाद में खोलिए, पहले पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट खोलिए, ताकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आपकी सीएचसीज और पीएचसीज बहुत बढ़िया हो जाएं, और उस पर किसी का जोर भी नहीं पड़ेगा। 3 महीने के लिए अगर एक पोस्ट ग्रेजुएट जाके गांव में काम करेगा, खुशी खुशी काम करेगा, अगले 3 महीने में कोई और आ जाएगा। तो इस तरह सवाल पहले भी उठा था, अगर बात करें तो ये सवाल पहले भी उठा था, जो इस पर ये कहा भी गया था, प्रावधान भी लाया था, जब पीएम मोदी ने बात कही थी कि हाँ गांव में भी तमाम पोस्ट ग्रेजुएट को भेजा जाएगा, जैसे गांव के भी हालात सुधरे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है कोविड की, गांव में सिचुएशन काफी खराब हो रही है, सबसे अधिक केसेस जो हैं इस बार वो गांव में निकल के आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि आप HOD मेडिसिन भी हैं एम्स में, तो इसमें एहतियात क्या बरतने चाहिए? इसमें पहले तो मुझे अपने को एक अलग कमरे में रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि एक अलग हम चाहे स्कूल ही बना दें, स्कूल में ही हम अपने ऐसे मरीजों को रखें, और वहां पे जो डॉक्टर हैं और जो पैरामेडिक हैं और आया और जो आपकी आयुष की जो वो हैं, वो लोग अपना थोड़ा वहां पे देखें, सिर्फ पानी की मात्रा पूरी रखें और जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से पैरासिटामोल की गोली खाके अपना इलाज करें। तो 90% और 95% मरीज तो घर पे ही ठीक हो जाएंगे। जिन पे थोड़ी सी खांसी जिनकी बढ़ जाए 5 दिन के बाद, जिनका बुखार ठीक ना हो जाए, बुखार ठीक ना हो, जिनको सांस की तकलीफ हो, तो उनमें हमें थोड़ा एक डिस्ट्रिक्ट का काम यही है कि एम्बुलेंस सर्विसेज को इम्प्रूव करके, उसको एम्बुलेंस से कनेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाना चाहिए। तो स्टे एट होम एंड स्टे लोकल, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। तो अगर हम उसको एक लिंकेजेस, वॉर जोन का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट में वॉर जोन यही बना हुआ है कि इस टाइम इस सीएचसी में इतने बेड खाली हैं, इस प्राइवेट हॉस्पिटल में इतने बेड खाली हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में उस पीएचसी में इतने खाली हैं, तो अगर हम ये लिंकेजेस कर देंगे उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ये तो बहुत आराम से जीत जाएंगे हम, तो आराम से जीत जाएंगे। लेकिन जो तीसरे वेव का डर है, जो बार बार लोगों को डरा रहा है या बातें कर रहे हैं, वो डर क्यों? अब तो डरना नहीं चाहिए, अब उसका इलाज होना चाहिए ना। वो डर इसलिए है क्योंकि पहली वेव में के बाद हमने कोताही बरती,
हमने सोचा कि हम इस पे विजय पा गए हैं, हमने 5% पे ध्यान नहीं दिया। अगर हम 5% की फिगर पे ध्यान देते और उसी टाइम अपनी कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के आगे बढ़ते, जैसे जैसे नंबर बढ़े, तो नंबर पे दिल्ली में मैं फिर रिपीट करना पड़ता है मेरे को बार बार कि हम 1 अप्रैल को 1% थे और 20 अप्रैल को 36% थे। तो मतलब, और आज का दिन है 20 अप्रैल, आज 20 मई, अगर 21 मई है तो एक महीने के अंदर आज हम 5% पे आ गए, 31% हमने कम किया। तो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई, ये रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी, अगर हम पहले ही 5% पे कंट्रोल करके रखेंगे और अपने आईसीयू बेड्स अवेलेबल होंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग ये माहौल होगा, अलग अलग तरीके से ये देखा जाएगा। बड़े शहरों को अलग तरीके से देखना है, छोटे शहरों को अलग तरीके से देखना है और छोटे शहरों को अलग तरीके से देखना है। तो ये एक लोकल स्ट्रेटेजी में हमें इसको जीतना पड़ेगा और डर तो है लेकिन डर को निकालना पड़ेगा। मतलब जो विश्वास हमें अपने मन में, मैं अगर मास्क लगाऊंगा तो मेरे को कोविड हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जी डॉक्टर बेस समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि मास्क लगाना, हाथ को सैनिटाइज करना या हाथ धोना सस्ता बहुत जरूरी है, लेकिन ये क्या कब तक जरूरी है? क्योंकि अब लोगों का सवाल ये भी है कि आखिर इस कोरोना ने हम लोग को सब कुछ बता दिया लेकिन कब तक ये चलेगा? अगर ये बता दें तो इतिहास सबको बढ़तेगा, सबके दिल में ये सवाल उठता है। हमेशा के लिए जरूरी है, यानी अब कब माना जाए कि अब मास्क, हाथ को धुलना, सैनिटाइजर अपने पास जिंदगी भर रखें अब आप? ये तो हमेशा के लिए जरूरी है। अगर हम देखें, हमारे पुराने भी ऐसे ही करते थे और जापान और कितने शहरों में मास्क लगा के रखते हैं लोग। ये आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, ये आपको ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है, ये आपको एयर पोल्यूशन से बचाता है, ये बहुत चीजों का इसके फायदा है। लेकिन मास्क आपका साफ होना चाहिए, और डबल मास्क की जहां बात हो रही है, अगर पहला सर्जिकल मास्क और दूसरा मास्क आप अपना एक कॉटन का लगा सकते हैं, लेकिन मास्क साफ होना चाहिए, ये बहुत बड़ी, क्योंकि मास्क साफ ना होने से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। डबल मास्क क्यों जरूरी है सर? जरूरी क्या है? डबल मास्क क्यों जरूरी है? नहीं, पहले मैंने सर्जिकल मास्क लगाया और उसको बिल्कुल टाइट रखा ताकि ना अंदर हवा आए ना हवा जाए, और दूसरा मास्क मैंने ऊपर लगा लिया ताकि अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो तो मैं थोड़ा भी रिस्क ना लूं। इसीलिए जब इस टाइम वायरस देखिए कितनी तेजी से फैला और उसने बिल्कुल टाइम नहीं दिया किसी को, और मतलब बहुत दुख होता है इस टाइम, मतलब हर घर में कुछ ना कुछ हुआ है, और हमें आगे ये नहीं होने देना है। मुझे मतलब हमें मास्क पहनने पे आप मुझे भी मजबूर करो, मैं भी आपको मजबूर करूं, जब तक ये नहीं होगा तो हम इस पे विजय नहीं पा पाएंगे डॉक्टर बीज। लेकिन ये मास्क को टाइट अगर पहनेंगे, जो आम लोग का सवाल है कि जब टाइट आप बांधेंगे तो सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलेगा, ऑक्सीजन कैसे लेंगे? वो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, और देखिए डॉक्टर्स भी 6-6 घंटे पहन के बिल्कुल टाइट करके अंदर काम कर रहे हैं, वो तो कवरऑल भी पहनते हैं, उनको इतना पसीना आ रहा है, मार्क्स बन गए हैं यहाँ पर, और ये तो आपका सिंपल मास्क है। आप जरा उनके बारे में सोचिए जब आप मास्क पहन रहे हैं, कि हेल्थ केयर वर्कर को हम क्या बचाएंगे? क्या हम चाहते हैं हम हेल्थ केयर वर्कर हमारे ठीक रहें? अगर हेल्थ केयर वर्कर ठीक रहेंगे तो हम मरीजों का, हमारे जैसे मरीजों का इलाज होगा। तो हमें अपने हेल्थ वर्कर्स को बचा के रखना है। मेरी प्रार्थना है हेल्थ वर्कर्स को बचाने के लिए ही मास्क पहनो, मतलब अपने आप को तो बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी बचाना है, तो उसके लिए मास्क में आप कोताही नहीं कर पाएंगे, ये आपको बचाएगा। बिल्कुल डॉक्टर बीज आप बात सही कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ वर्कर यानी हम कहते डॉक्टर के लिए कई इस कोरोना काल में अपने आप को चपेट में ले लिया है, कई डॉक्टर इस कोरोना काल में चले गए हम लोग का साथ छोड़ के, जो काफी करीबी दोस्त भी थे, काफी लोगों की मदद भी कर रहे थे। लेकिन भाई डॉक्टर साहब, अब जिस हिसाब से थर्ड वेव की बात तो हो गई, अब जिस हिसाब से परेशान कर रहा है ये ब्लैक फंगस, अब फिर अब नया आ गया फंगस व्हाइट फंगस। पहले ब्लैक फंगस की बात कर रहे थे, ब्लैक फंगस आके परेशान क्यों कर रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, हल क्या है कि हम समझ सके और इसे निपटारा कर सके? देखो, ब्लैक फंगस को होने नहीं देना है। अब इस बार क्या हुआ कि सडनली, जैसे मैंने आपको दिल्ली का लिया, एकदम तूफान आया, उस टाइम लोगों ने स्टेरॉयड की मात्रा ज्यादा यूज की और उसके बाद शुगर कंट्रोल नहीं हुई। तो ये ज्यादा किन मरीजों में है जिनकी शुगर, जिनकी कंट्रोल में नहीं थी पहले भी, कंट्रोल में नहीं जिनकी चल रही थी शुगर, वो ज्यादा इसमें एक्सपोज हो जाते हैं। तो शुगर, मेरी तो हर शुगर के मरीज से रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर के संपर्क में आके अपनी शुगर को परफेक्टली कंट्रोल में रखिए,
अगर आप अपनी और अगर आप शुगर के मरीज हैं और आपको कोविड हो गया, और शुगर के मरीज नहीं भी हैं और आपको कोविड हो गया, तब भी अपनी डाइट ऐसे खाइए जिसमें शुगर की मात्रा जीरो हो, कम से कम हो, और लाइट खाना खाइए, बिकॉज उसमें हमें आपको कभी कभी जब जानलेवा स्थिति हो जाती है स्टेरॉइड देने पड़ते हैं जिसके कारण शुगर बढ़ जाती है। और मेरी तो ये रिक्वेस्ट भी है कि हम स्टेरॉइड की मात्रा कम से कम दें, कम से कम समय के लिए दें, तो ये बीमारी होगी नहीं। और हम अपने नाक मुंह और आंखों का और फेस का ख्याल रखें, इनकी सफाई रखें, और इसको ब्लैक फंगस मत बोलें, ये एक म्यूकोर माइकोसिस है। ब्लैक फंगस अलग एक टाइप की फंगस है, ये म्यूकोर माइकोसिस है। इसी के लिए हम म्यूकोर माइकोसिस की बात करें, और व्हाइट और ब्लैक फंगस में प्लीज हमें इसमें नहीं जाना चाहिए, ये बड़ी कंफ्यूजन कर रहा है हमें। इसको मतलब उसके सिम्टम्स हैं, एक क्लासिकल हैं, लेकिन इसको म्यूकोर माइकोसिस बोलना चाहिए जो उसका नाम है। सर कंफ्यूजन कहाँ पे है और ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी, कैसे, क्योंकि आम जनता तो वही जानेगी जो साइंटिफिक नाम आएंगे। बस आम जनता को अपनी तकलीफ बतानी है, अस्पताल आके इलाज कराना है, बिकॉज इसमें आपको अस्पताल में रह के ही इलाज होगा, घर पे इलाज नहीं होगा। ये टीम वर्क है, आपकी जांच की जाएगी कि आपको कौन सी फंगस है, आपकी जांच सीटी स्कैन किया जाएगा कि कितनी इन्वॉल्वमेंट है, और उसके बाद देखा जाएगा कि किस टाइप की आपको जरूरत है, कि सिर्फ दवाई से ठीक होगा या काफी मरीजों में हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है, उसमें आई के डॉक्टर, ENT के डॉक्टर या न्यूरोसर्जरी के डॉक्टर जैसे मिलके काम करेंगे। तो आपको बस अस्पताल में आना है और अस्पताल में आके इलाज करवाना है, वहां पे आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, आपको दवाई भी दी जाएगी, और उसके बाद आपका जो भी इलाज होगा उसके हिसाब से इलाज होगा। डॉक्टर बेस, लेकिन अब फेजेस के बारे में बात करें, पहला फेज जब ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस या जो नाम ये आम चरणों में चल रहा है अभी आम भाषाओं में, तो ये जो फंगस है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट फेज क्या होता है, सेकंड फेज क्या होता है, थर्ड फेज कैसा होता है, और कैसे पता चलेगा कि हाँ अब हमें हो चुका, हम जाके इसका ट्रीटमेंट ले, और पहली जानकारी अगर मिलती है तो फर्स्ट फेज में क्या कुछ करना चाहिए, जैसे हमें आगे इसका इस ब्लैक फंगस से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े या व्हाइट फंगस से दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। तो अब देखिए, अभी मैं म्यूकोर माइकोसिस की बात कर रहा हूं जिसको आप ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि नाक में, साइनसिस में, आंखों में और ब्रेन में, तो उनके सिम्टम आएंगे, नाक की कोई तकलीफ, फेस पे दर्द होना, उसके बाद आंख की कोई तकलीफ, आंख में सूजन आना, या सर में दर्द, या उस टाइप की कोई, या जो सर का दर्द दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर मरीज को होगा, ये ज्यादा से ज्यादा जिनको शुगर के मरीज हैं उनको होगा। तो हमें यही सोचना है कि शुगर के मरीज है और हमने उसने स्टेरॉइड्स अगर ज्यादा टाइम के लिए उसने ले लिए, उसको मिले हैं, बिकॉज कई बार देने पड़ते हैं आपको, तो उस टाइम हमें उसको उसका ध्यान उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेज तो आप आपके पहले जनरली ये साइनस में आता है, फिर आंख में जाता है, फिर ब्रेन में जाता है। तो अगर हम उसको जल्दी पकड़ लेंगे सीटी स्कैन से, तो हम उसको दवाई देके भी कई बार कंट्रोल कर पाएंगे। अगर लेट स्टेज हो जाती है तो फिर हमें उसमें सर्जरी करनी पड़ती है, अगर बहुत ही लेट हो जाता है हम फिर सिर्फ दवाई से ही इलाज करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से साइनस आप बता रहे हैं, तो साइनस में फर्स्ट स्टेज में कैसे पता चलेगा, क्योंकि कई लोग होते हैं जो आम थोड़ा समझ नहीं पाते। नहीं, थोड़ा जुकाम होना, थोड़ा ज्यादा नाक का बंद होना, और फेस पे दर्द होना, और जो दर्द ठीक ना हो, तो उस टाइम हमें ये सब सोचना पड़ता है। और डायबिटीज मेरे को अगर है तब मैं ज्यादा सोचूंगा और अपने डॉक्टर के संपर्क में आऊंगा। यानी कुल मिला के हम कहें तो जो डायबिटिक पेशेंट है खासकर उनके लिए ये जिस हिसाब से ब्लैक फंगस जो कॉमन नाम दिया गया है वो परेशान ज्यादा कर रहा है, इसलिए उन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ये पहले भी होता था और पहले भी डायबिटीज के मरीजों में काफी ज्यादा पाया गया था, लेकिन इस फेज में वो ज्यादा हो गया क्योंकि तूफान एकदम आया और उस टाइम दिक्कतें आई। कुछ कितने देर बाद मौत हो जाती है, जैसे बताते हैं कई कई डॉक्टर्स में बात करने के बारे में बात नहीं करने, आप जल्दी अस्पताल जाइए, जल्दी इलाज कराइए, और इलाज करा के हमें इसको जल्दी पकड़ के जल्दी इलाज करना है। यानी हम कहें तो जल्द से जल्द मरीज सब चीजों पर ठीक हो सकता है, चाहे वो बड़ी से बड़ी कितनी भी घातक बीमारी हो, चाहे वो कोरोना हो या ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस, बस सही समय पर उपचार जरूरी है। ये आप कहना चाहते हैं डॉक्टर बेस? हाँ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल परफेक्ट समाप्त किया। तो अब डॉक्टर बेस, इसमें मेडिसिन जो होती है, बस कम शब्दों में एक आखिरी सवाल कि मेडिसिन का
इस्तेमाल कितना और किन किन चरणों पे करना चाहिए, जैसे तमाम और बीमारियां शरीर में एंट्री ना करें। अब म्यूकोरमाइकोसिस की बात कर रहे हैं जी। म्यूकोरमाइकोसिस में तो अगर मैं सस्पेक्ट करूंगा तो हमें तुरंत दवाई शुरू कर देनी चाहिए। तब तक मैं सीटी स्कैन और फंगल कल्चर करूंगा और स्वैब भी लूंगा, और उसके बाद हमें तुरंत दवाई शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज ये एंजियो इन्वेसिव डिजीज होती है, ब्लड वेसल में चली जाती है। तो दवाई शुरू करना जरूरी है, और हम दवाई शुरू करने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि दवाई से कुछ रिस्पॉन्स आया, कुछ फंगस मर गई, उसके बाद हमें कितना उसको इलाज करना है, तो उसी के बाद, क्योंकि कई बार ये लंबी लंबी लड़ाई होती है। तो हमें इसका इमीडिएटली देखा गया कि इंजेक्शन तो गायब है मार्केट से इस फंगस के, और कई मेडिसिन भी अब गायब हो रही है धीरे धीरे। तो ऐसे में इलाज कराने के लिए आदमी जाए तो जाए कहां? अस्पताल में जाए, डेडिकेटेड जो सेंटर्स हैं वहां जाए, और सरकार पे हमें विश्वास तो करना पड़ेगा। मतलब सरकार ने इतनी मेहनत की है, अब इस टाइम सबको मिलके एक दूसरे का साथ देके इसको बाहर निकलना है। इससे मतलब इससे बाहर एक बार आप निकल गए, और उसके बाद आपने मास्क पहना, और मास्क वैक्सीनेशन जब हो जाएगी तब हम थोड़े संतुष्ट रहेंगे, लेकिन मास्क तो हमें पहनना पड़ेगा। जी डॉक्टर वेज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंडिया न्यूज की तरह समय दिया और समझाने की कोशिश की कि हाँ, हर डर के आगे जीत है। अगर आप सावधानी बरतते हैं तो कोई भी जिस हिसाब से बीमारियां होती हैं उस पर आसानी से जीत हासिल किया जा सकता है, वो भी अपने एहतियात और सुरक्षा के दृष्टिकोण के साथ। तो डॉक्टर वेज का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।